Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Bharat Ratna Award to Karpuri Thakur. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 post-independence history, also important for GS Paper 2 Indian Polity Point of View. सबसे पहले समझते हैं किन किन तरह के सिविलियन अवार्ड्स भारत में दिए जाते हैं तो भारत में दो तरह के सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं एक तो है पद्म अवार्ड्स, उसमें भी तीन होते हैं हाईएस्ट होता है पद्म विभूषण पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री और फिर होता है भारत रत्न भारत रत्न इज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया जो पदमा अवार्ड से भी ऊपर माना जाता है तो भारत रत्न या पद्म अवार्ड्स इंडिपेंडेंस मीन सो सॉरी रिपब्लिक डे के ओकेजन पे अनाउंस किए जाते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न किसी को मिले ही बट पद्म अवार्ड्स इन जनरल हर साल रिपब्लिक डे के ओकेजन पे अनाउंस किए जाते हैं तो अभी भारत रत्न अवार्ड अनाउंस किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है हो सकता है एक दो दिनों में पद्म अवार्ड्स भी अनाउंस किए जाए तो उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे जनली कभी कभार एक दो साल तीन साल गैप करके जब भारत सरकार को लगता है तो वो फिर किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को भारत रत्न अवार्ड देते हैं विच इज हाइएस्ट सिविलियन अवॉर्ड इन इंडिया तो पद्म अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल यहाँ देख लेते हैं और फिर जब बाकी लोगों को मिलेगा इस साल का पद्म अवार्ड तो वो बस उनके नाम देख लेंगे से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि these were in the year 1954. इस तीन हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया पद्म विभूषण यहां मैं लिख दूंगा पद्मश्री सो आज ऑलरेडी सेड कि दीज आर अनाउंसड ऑन रिपब्लिक डे एंड दे आर नॉर्मली नॉट कन्फर्ड पोस्ट ह्यूमस्लिमो उपरांत नहीं दिया जाता ये अलाइव लोगों को ही इन जनरल दिया जाता है एजुकेशन स्पोर्ट्स सिविल सर्विस तो तीनों के लिए अलग अलग टर्म इस्तेमाल किया गया है पद्मश्री अवार्ड इज गिवन फॉर डिस्टिंग सर्विस इन एनी ऑफ दील्ड पद्म भूषण इज फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शन में पद्म विभूषण ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया दीज अवारोग ओरिजिनली ये लिमिटेड ओनली फॉर पीपल लिटरेचर साइंस एंड पब्लिक सर्विस बाद में इन टू थाउजेंड प्रोविजन वॉज एडेड दैट कुड बी यूज फॉर कन्फरिंग भारत रत्न एंड दॉ इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिवर तो कोई भी फील्ड में नॉट जस्ट आर्ट लिटरेचर साइंस पब्लिक सर्विस एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर में इफ अ पर्सन हैज गिवन एक्सेप्शनल सर्विस देन द पर्सन कैन बी अवॉर्डेड विथ भारत रत्न आप कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रोविजन ऐड किया गया एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर इसी प्रोविजन को ऐड करने के बाद सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया जा सका अदरवाइज तेंदुलकर को आर्ट लिटरेचर साइंस या पब्लिक सर्विस से तो जोड़ करके नहीं देखा जा सकता था सो एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर ये प्रोविजन ऐड किया गया आप कह सकते हैं फॉर सचिन तेंदुलकर ओनली रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट विथ ए मैक्सिमम ऑफ थ्री नॉमिनी फॉर इन में मैक्सिम तीन लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है कोई जरूरी नहीं है कि हर साल तीन लोगों को या किसी को भी भारत रत्न दिया जाए हैं जो भारत रत्न के रिसिपियंट होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं सनद विच इज साइंड बाई द प्रेसिडेंट उसके अलावा एक पीपल लीव सेप का मेडल मिलता है इस तरीके का जिसमें लिखा रहता है भारत रत्न और भारत रत्न अवार्डीज को कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है बात की जाए अगर भारत रत्न अवार की तो सच रिस रैंक सेवेंथ इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस तो रैंक सेवन देखिये इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा ये प्रोविजन मान लीजिए अलग अलग तरीके के डिस्टिंग्विश्ड लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट जजेस तो किनको प्रायोरिटी दी जाएगी उनको कहा जाता है इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सच इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हैज बीन मेंशन इन दूसर इट सेल्फ तो भारत रत्न रेसिपियंट जो है उनकी इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सातवें नंबर पर रैंक आती है बट भारत रत्न अवार्ड इज आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड अवार्ड एज द नेम इन द टाइटल जैसे का मतलब यह है कि सचिन तेंदुलकर जी अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा अवार्ड ते तो नहीं लगा सकते अदरवाइज इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यू वन कैन नॉट यूज टाइटल्स बिकॉज दैट लीड्स टू इनइक्वालिटी अब करंट न्यूज पे आते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इनको पोस्ट ह्यूमसली दिया जाएगा इस साल का भारत रत्न अवार्ड तो कर्पूरी ठाकुर जी को जन नायक नाम से भी जाना जाता है लीडर ऑफ द पीपल

थोड़े टाइम के लिए बने चीफ मिनिस्टर विद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी छह महीने में सरकार गिर गई फिर जून 1977 में ही बिकेम चीफ मिनिस्टर बट दो साल ही सरकार चली ज्यादा चली नहीं बट आप कह सकते हैं कि इनके ही स्टूडेंट्स रहे हैं ही हैज बिन मेंटर ऑफ टू प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार लालू प्रसाद यादव एंड रामविलास पासवान कर्पूरी ठाकुर जी की बात की जाए तो फ्रीडम फाइटर रहे हैं ही वेल्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल आजादी के बाद ही रिमेंड एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम बिहार फ्रॉम 1952 टिल 1984 1952 से लेकर के 1984 तक वो एमएलए रहे हैं 1984 में जाकर के वो इलेक्शन हारे क्योंकि तो उस टाइम में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस की लहर चली थी और उसमें वो इलेक्शन हार गए उसके अलावा एक बार 1977 में व्हेन ही वेंट टू लोकसभा जब वो एमपी बने तो उस वक्त भी उन्होंने एमएलए की सीट छोड़ी थी अदरवाइज ही रिमेंड एमएलए ऑलवेज फ्रॉम 1952 1984 तो ये है कर्पूरी ठाकुर जी से संबंधित फैक्ट्स कर्पूरी ठाकुर टू टाइम सीएम ऑफ बिहार 1970 एंड 77 बट दोनों टाइम शॉर्ट टर्म के लिए सरकार चल नहीं पाई ज्यादा लंबे समय तक नोन ए जन नायक एमएलए 88 से पहले 84 में ही लॉस्ट इलेक्शन लोकसभा 1984 ये नहीं 84 होगा MP बने 1977 में सिविलियन अवार्ड्स की बात की जाए तो दो टाइप के होते हैं पद्म अवार्ड्स पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड पद्मश्री नाइनटीन में दिया लाया गया कन्फर्ड ऑन रिपब्लिक डे गिवन फॉर डिस्टिंगविथ सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर नॉट कन्फर्ड इन जनरल पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न की बात की जाए तो 1954 में इसको भी लाया गया आर्ट साइंस पब्लिक सर्विस था टॉपिक इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इनवा थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए साल 2014 में भारत सरकार ने अब टारगेट सेट किया कि वो सोलर गीगा प्रोड्यूस करेंगे बाय द ईयर 2022 और इस 100 गीगा वॉट में भी 40 परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कनेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप सिस्टम यानी कि अलग अलग घरों के छतों पे सोलर uh, पैनल्स लगाए जाएंगे और वहां से जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको ग्रिड से कनेक्ट करके बाकी जगहों पर सप्लाई किया जाएगा तो ये टारगेट रखा गया 2014 में 100 गीगा वॉट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022 एंड 40 परसेंट ऑफ दिस 100 गीगा वॉट ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि अबाउट 40 गीगा वॉट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ सिस्टम

रिन्यूएल एनर्जी जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है ओवरऑल 180 गीगावाट का एज ऑफ दिसंबर 2023. 180 गीगावाट में विंड फाइव 45 गीगावाट, सोलर पावर इज 73 गीगावाट, बायोमास वॉट बायो मास इज टेन गीगा स्मॉल हाइड्रो अबाउट 5 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी तो बहुत ही नॉमिनल है पॉइंट फाइव एंड देन लार्ज हाइड्रो फोर्टी सिक्स हाइएस्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिन्य पावर एंड देन लार्ज हाइड्रो तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पावर से आ रहा है और फिर लार्ज हाइड्रो से आ रहा है तो so, मुद्दा यह है कि सोलर पावर का ठीक है सबसे ज्यादा आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है येट वी हे नॉट बीन एबल टू अचीव द टारगेट दैट वेर सेट इन ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन

और ओवरऑल uh, रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी में इट इज गुजरात दैट इज एट द टॉप आई विल हैव टू चेक इट वंस व्हाई आई विल हैव टू चेक दिस डेटा. टोटल सोलर कैपेसिटी में आई रिकॉल की राजस्थान इज एट द टॉप एंड इन रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी गुजरात इज एट द टॉप सिर्फ रूफ टॉप की बात की जाए तो बट आई विल हैव टू चेक दिस वंस अगेन आई थिंक दिस वाज 18.7 गीगावाट नॉट जस्ट 8.7 गीगावाट तो टोटल सोलर कैपेसिटी में राजस्थान इज एट द टॉप एंड रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी में गुजरात गीगा वॉट को अचीव करना था जिसमें से ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम वी नॉट एबल टू अचीव इट नाउ इन ऑर्डर टू मीट दैट टारगेट ऑफ फोर्टी गीगा वॉट रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम इस टारगेट को मीट करने के लिए एक नया स्कीम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार एम करेगी वन करोड़ हाउस होल्ड टू गेट रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम अगर ये पूरा हो जाता है तो जो हमारा टारगेट है लगभग 40 गीगावाट का सोलर पावर जनरेट करना फ्रॉम ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर सिस्टम वो पूरा हो सकता है और इससे जो भारत का टारगेट है या कमिटमेंट है अंडर पेरिस क्लाइमेट डील इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फाइव सेट ऑफ टारगेट जिसको हम लोग कहते हैं पंचामृत

अगर मौजूदा टाइम में देखा जाए तो भारत अपने ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 43 परसेंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से प्रोड्यूस करता है जो एक्चुअल अमाउंट जो है एब्सोल्यूट अमाउंट कम्स आउट टू बी हंड्रेड एटी गीगा वॉट लेकिन आने वाले टाइम में जब ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर हो सकता है कि ये परसेंटेज में रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन घट जाए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर विच इज एक्चुअली जूल पर सेकेंड कितना जूल या कितना एनर्जी पर सेकेंड पास होता है अच्छा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से अलग अलग हाउस की इनकम भी ऑगमेंट हो सकती है कैसे तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे एंड दीज आर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल्स तो इस ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इस सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उनको ग्रिड के थ्रू हम लोग सेल भी कर सकते हैं टू डिफरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिनको शॉर्ट में कहते हैं डिस्कॉम जैसे हमारे यहाँ पे है ऑल तो थ्रू नेट मीटरिंग नेट मीटरिंग क्या होता है कि ये हो गया कनेक्शन अब हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया सौ गीघा वॉट सौ वॉट का इलेक्ट्रिसिटी आया और पचास वॉट का हमने सेल किया तो नेट हमने कितना लिया 50 वॉट का तो हमें 50 का ही प्राइस पे करना होगा दैट इज नोन एज नेट मीटरिंग नेट मीटरिंग यहां दिखाया गया है जबकि एक होता है ग्रॉस मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग में क्या होता है कि सेल करने का मीटर अलग रहता है बाई करने का मीटर अलग रहता है यह पुराना सिस्टम है आजकल नया सिस्टम आ गया है. एक ही मीटर रहता है कितना यूनिट आपने सेल किया कितना यूनिट आपने बाई किया दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपने सेल ज्यादा किया है यानी कि आपके घर से जो सोलर पैनल्स लगे हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है और आपने कंज्यूम कम किया है तो ओवरऑल इट विल हेल्प इन इनकम जनरेशन। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इसके कई सारे फायदे हैं ऑफ़ कोर्स इट विल हेल्प अस इन मीटिंग आवर टारगेट्स अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी ओवरऑल इट विल हेल्प इन मीटिंग आवर टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेशली सोलर एनर्जी तीसरा इट विल हेल्प इन इनकम ऑगमेंटेशन फॉर ऑफ फैमिलीज तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना तो 2014 में जो टारगेट रखा गया था 100 गीगावाट का बाय 2022 उसमें से फोर्टी परसेंट इन दूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम ये तो अचीव नहीं हो पाया करेंटली 73 गीगावाट है उसमें भी रूफटॉप ओनली इलेवन गीगा वॉट है तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए खासकर तो रूफ टॉप वाला टारगेट को अचीव करने के लिए, तो लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया है जिसमें एक करोड़ हाउस को ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे इससे क्या फायदा होगा इट विल हेल्प इन मीटिंग आवर पंचामृत टारगेट इट विल ऑल्सो हेल्प इन इनकम जनरेशन फॉर पीपल थ्रू नेट मीटरिंग करेंटली फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज टोटल सोलर कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो राजस्थान इज एट द टॉप रूफ टॉप की बात की जाए तो गुजरात इज एट द टॉप इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट आंसर इन द सेक्शन उट वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस थ्रेसोल्ड फॉर क्लाइमेट चेंज ये टारगेट कहाँ से आया है वो जरा देखते हैं आप सबको पता है पैरिस क्लाइमेट डिग्री के बारे में बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ देखिये क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो आपको पता है कि चेंज इन रेनफॉल पैटर्न एंड ओवरऑल टेम्परेचर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम

यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज और इस कन्वेंशन के अंदर फैसला किया गया कि वी विल मीट एवरी ईयर और हर साल जब हम मिलेंगे तो उसको कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब हम करेंगे तो फिर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए या उसे अडेप्ट करने के लिए अलग अलग हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वॉज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी 1995 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर थ्री वॉज हेल्ड इन क्यूटो जापान नाइनटीन और क्यूटो में डिस्कस किया गया फाइनलाइज किया गया प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में डिस्कस किया गया इट केम इनटू फोर्स इन 2005 क्योटो प्रोटोकॉल वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड ऑफ डिफरेंसिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि वही डेवलप्ड हैं तो दे आर मोर कैपेबल एज फार एज मिटिगेटिंग और इम अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट चेंज बेटर टेक्नोलॉजी प्लस दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज हैज सो फार क्योंकि वो डेवलप्ड हैं वो इंडस्ट्रियाज है जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज से निपटने की लेकिन उसमें भी किसी की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा किसी की कम तो डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियालाइज कंट्रीज की जिम्मेदारी ज्यादा और बाकियों की कम दैट इज द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉसिबिलिटी दैट वॉज फाइनलाइजिंग क्योटो प्रोटोकॉल तो जिन देशों को की ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी थी जिनको इंडस्ट्राइज कंट्री कहा गया दे देर पुट अंडर ग्रुप एंड अदर्स नॉन एनएक्स तो कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग तरीके से टारगेट्स लगाए गए अंडर प्रोटोकॉल कि आप इतना ही मिशन कर सकते हैं नॉन एनएक्स कंट्री जैसे इंडिया वगैरह इनपे कोई ऐसे बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे इंडिया चाइना इस ग्रुप में आ रहे थे सो दैट इज द रीजन वाई कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज प्रोटेस्ट करने लगे कि इंडिया चाइना दुनिया का पहला और तीसरा China is first, India is third. इतने इनके कोई टारगेट नहीं और हमारे ऊपर आपने टारगेट दे रखा है जर्मनी यूएस जैसे देश कनाडा जैसे देश अपोज करने लगे जो एनएक्स वन में थे अल्टीमेटली वट है प्रोटोकॉल से धीरे धीरे एक एक करके कंट्रीज स्पेशली डेवलप कंट्रीज कोल आउट करने लगे एंड क्यूटो प्रोटोकॉल फेल्ड सो so, छोटो प्रोटोकॉल जब फेल हो गया तो वर्ल्ड कंट्रीज को रियलाइज हो गया कि ये कॉमन बट डिफर रेस्पॉन्सिबिलिटी का चलने वाला है नहीं एंड देन इन इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर दैट हेल्ड एट एंडीन एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की ठीक है किसी के ऊपर भी बाइंडिंग टारगेट नहीं रखा जाएगा एवरी कंट्री विल कम एंड मेक देयर ओन कमिटमेंट कि वो कितना कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए गिव योर ओन

में ऐसा कुछ भी किसी के ऊपर भी बाइंडिंग टारगेट नहीं एवरी कंट्री इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन कमिटमेंट लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड कंट्रीज ने आपस में मिल करके अपने लिए टारगेट रखा कि हम लोग इस बात की इंश्योर कराएंगे जो कंट्रीज़ नाइन फाइव कंट्रीज हुआ पैरिस अग्रीमेंट दे पुट अ कलेक्टिव टारगेट फॉर देमसेल्फ अंडर पैरिस डील कि हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के तुलना में बाय द ईयर 2100 वन टू डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े थोड़ी बहुत तो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग होगी उसको नहीं रोक सकते लेकिन प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर के बाय ईयर 2100 में जो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए इस अर्थ का सरफेस टेम्परेचर का उसमें टू डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड मोस्ट प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग 1.5 तक रोकने में कामयाब रहते हैं तो दैट इज स्टिल बेटर

टाइम मान सकते हैं उसके बाद यानी कि 1870 में जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर था बाय द ईयर 2100 वन हंड्रेडरेचर शुड नॉट गो बियॉन्ड डिग्री सेल्सियस एंड प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस सवाल ये उठता है कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट कहाँ से आया तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है दैट केम फ्रॉम आई रिपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसको बनाया गया 1988 में इसको बनाने वाली दो एजेंसी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी और आईपीसीसी के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं दे बिकम अ बेस फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यू एन एफ सी सी टू मेक डिसीजन तो आईपीसीसी के रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं IPCC रिपोर्ट्स देता है क्लाइमेट चेंज से संबंधित और उसके बेसिस पे UNFCCC में फैसले होते हैं आई पी सी सी from कंडक्ट इट्स that आर वर्किंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज उन्हीं से वो डेटा लेता है IPCC ने अभी तक छह रिपोर्ट पब्लिश किए हैं। फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट इन 1990, नाइन सेकेंड इन थर्ड इन टू थाउजेंड वन फोर्थ इन टू थाउजेंड सेवन उजेंड फोर्टीन और ये जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसी का उसी ने कहा था कि वर्ल्ड कंट्रीज शुड टारगेट की ग्लोबल वार्मिंग वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो बाय द ईयर ट्वेंटी विद रेस्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल अदरवाइज कैटेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी हाई तो यही फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट बिकेम बेसिस फॉर पेरिस क्लाइमेट डील आईपीसी का फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट एंड देन रिसेंटली इन ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट ऑफ आईपीसी 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट हमने रखा है फाइन. करेंट सिचुएशन देन यू विल फाइंड कि हम लोग ऑलरेडी उस टारगेट को ब्रीच करने पे पहुंच चुके हैं. इन 2023 स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेटलीस्ट वन ऑफ दियर बिटवी टू थाउजेंड सेल्सियस. आपको पता है 2023 ट्वेंटी थ्री द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड और 2023 में ऑलरेडी जो टेम्परेचर था सरफेस टेम्परेचर एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1.48 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल तो हम लोग ऑलरेडी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को ब्रीच करने पे आ गए हैं जो हमारे लिए टारगेट था बाय ईयर 2100 अंडर पेरिस क्लाइमेट डील दैट क्लियरली टेल्स

टू 1900. हंड्रेड तो ये जो वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट आया है दैट हैज कम फ्रॉम आईपीसीसी रिपोर्ट एंड आईपीसीसी रिपोर्ट ऑफ फिफ्थ असेसमेंट तो आईपीसीसी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन नाइनटीन एटी एट बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू एन ई पी एंड फाइंडिंग्स ऑफ आई पी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है द विंडो ऑफ मिटिगेटिंग द इमेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज क्लोजिंग डाउन फास्ट डिस्कस तो धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास अब ज्यादा स्कोप बचा नहीं है क्लाइमेट चेंज हैज बिकम इन ऐसे प्रश्न में क्लाइमेट चेंज को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए वेरिएशन इन टेम्परेचर रेनफॉल पैटर्न ओवर अ अगर पीरियड ऑफ टाइम फिर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बताइए कि इट कैन बी कटेस्ट्रॉफिक इराटिक रेन हो सकता है हीट वेव्स आ सकते हैं क्रॉप फेलियर आ सकता है फिर आप बताइए कि क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हो गया है हाल फिलहाल में इंडस्ट्रियल एज की तुलना में मॉडर्न टाइम में क्लाइमेट चेंज काफी एक्सेलरेट हो गया है बिकॉज ऑफ रैपिड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मेजर इनिशिएटिव्स थोड़ा बहुत बता सकते हैं नाइनटीन नाइनटी टू अर्थ सबमएफसी प्रोटोकॉल पेरिस क्लाइमेट डील वहां पर वन डिग्री सेल्सियस का टारगेट दे सकते हैं और फिर आप बताइए कि वाई विंडो इज क्लोजिंग डाउन फिर वहां पे आर्ग्यूमेंट दिए कि 2023 में ऑलरेडी हम लोग 1.48 डिग्री सेल्सियस को टच कर चुके हैं तो वी आर नॉट लेफ्ट मच स्कोप आईपीसीसी का सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट कहता है कि जिस तरीके से करंट लेवल में इमिशंस हो रहे हैं वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा बाय द ईयर वन वी विल रीच बाय ब्रीच द इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल एरा का जो सर्फेस टेम्परेचर है बाई थ्री डिग्री सेल्सियस

इसकी संख्या लगातार कम हो रही है और इसकी संख्या हमारे देश में लगभग 150 के आसपास बची हुई है बस इट इज हेवीएस्ट ऑफ द मोस्टली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात थोड़ी बहुत पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटका में भी मिल सकती है इट इज स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान राजस्थान में इसको एक अलग नाम से जाना जाता है गोदावन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स प्रेफर ओपन फील्ड जहाँ पे ग्रासलैंड्स हो हों ताकि वो दूर दूर तक ये देख पाए दे डोंट वांट और वांट टू लिव इन एन एरिया जहां पे हाईलैंड uh, हैं और जहां पे उनका विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है सो दे जस्ट वांट एरिया जहां पे मिनिमम विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन होता हो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड शेड्यूल वन का प्रोटेक्शन मिला अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे आर ऑल्सो अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स मतलब उनको जो मिल जाए वो खा लेते हैं सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ठीक है ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं ये बिजली के तारों के कारण काफी डेथ हो रही थी बिजली के तारों से टकरा करके इनकी डेथ होती रहती थी तो उससे बचाने के लिए फिर एक इनिशिएटिव लिया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस तरीके का फायर फ्लाई डाइवर्टर लगा दिया रात में भी ये चमकता रहता है जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इससे दूर रहे हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को इंडिकेशन दिया है इंस्ट्रक्शन दिया है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने हाउ डू यू प्लान टू तो सेव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट आस द गवर्नमेंट इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एन दिस क्वेश्चन आंसर इन द कमेंट सेक्शन बोर्ड वर्क है

वैसे तो पेंच टाइगर रिजर्व थोड़ा सा महाराष्ट्र में है और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में है बट न्यूज ये निकल के आ रही है कि जो महाराष्ट्र वाला पेंच टाइगर रिजर्व है वो बन गया है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। स्काई पार्क का मतलब उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम आर्टिफिशियल लाइट ताकि वहां पे लाइट पॉल्यूशन कम से कम हो डार्क स्काई पार्क भारत का पहला हो गया पेंच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र साइड ये डार्क स्काई पार्क तो आइडेंटिफिकेशन दिया गया है दैट हैज बीन गिवन बाय एन इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन तो डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व उसके अलावा इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल डार्क स्काई ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अंदर डार्क स्काई रिजर्व बनाया है डार्क स्काई रिजर्व आइडेंटिफाई किया है लद्दाख में इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड तो डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र ये चीजें आपको याद रखनी फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड फर्स्ट डार्क स्काई आई एम सो सॉरी पे पार्क नहीं होगा रिजर्व होगा रिजर्व इज इन लद्दाख एंड पार्क इज इन पेंच गोल क्या है टू कीप दीज एरिया फ्री फ्रॉम लाइट पॉल्यूशन फादर ऑफ द नेशन का टैग दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने इंजियोनिटी हेलीकॉप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट ऑन अदर प्लानिट और यहाँ पे सिलाम बम तो हमने कल देखा ही था उसके अलग गटका इज करेक्ट काठी सामु इज ऑल्सो करेक्ट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी काई कोती कली कली जहां भी लगे समझ जाइए कि ये पुरली कली वगैरह ये सब केरला का होगा तो पहला तो गलत हो गया एंड था बिलोंग्स टू मणिपुर मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर नट्स ऑल फॉर मार्शल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग